नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। मंदिर या देवालय जिसका नाम सुनते ही भक्तों का सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। भक्त मंदिरों में आस्था और विश्वास लेकर जाते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसा भी मंदिर है जिसकी छत डलवाने वाले को ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि मौत मिलती है। औरैया जिले के दिव्यापुर थाने के सुहूद गांव में एक प्राचीन मंदिर है। बता दें कि इस मंदिर का नाम धौरा नाग है। तो चलिए आपको इस पूरी खबर से रूबरू कराते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश के इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में छत डलवाने वाले भक्त की मौत हो जाती है। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि इस मंदिर में घुसते ही खंडित मूर्तियां पड़ी हुई है। ये मूर्तियां 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के मंदिरों के तोड़फोड़ का प्रतीक है। इन मूर्तियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना पुराना है। इस मंदिर की प्राचीनता की कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। कमरे की तरह दिखने वाले इस मंदिर को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो मंदिर अपनी तरफ खींच रहा है। जब इस मंदिर में अंदर पहुंचे तो वहां एक कोने में खंडित पड़ी मूर्तियां तो हैरान करती ही है। सबसे ज्यादा हैरान करती है इस मंदिर में छत का न होना। इस मंदिर में छत न होना अपने आप में हैरान करने वाला है। सबसे डरावना ये है कि इस मंदिर में छत डलवाने के बाद वो छत टिकती नहीं है, गिर जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शख्स के द्वारा मंदिर की छत डलवाई जाती है उसकी कुछ समय बाद मौत हो जाती है। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। बता दें कि कुछ समय पहले इसी गांव के एक इंजीनियर के साथ ऐसी घटना हुई है। इंजीनियर लखनऊ में नौकरी करता था। उसने इस मंदिर में छत डलवाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके घर में दो लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस मंदिर की कोई भी चीज जैसे ईंट या कोई अन्य चीज अपने साथ ले गया तो उसे कुछ समय बाद वापस लौटाना पड़ा। हालांकि धौरा नाग मंदिर में सिर्फ नाग पंचमी के दजिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।